जबलपुर की प्रयास जनशक्तिकरण संस्था के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्थान द्वारा किया गया रक्तदान मेडिकल कॉलेज को दिया जाएगा, जहां ज़रूरतमंद लोगों को रक्त उपलब्ध कराया जाएगा। बताया गया है कि इस शिविर में 50 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अभी तक 30 यूनिट ब्लड एकत्रित किया जा चुका है। इस शिविर में लोग अपनी स्वेच्छा से आकर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस शिविर को लेकर संस्थान के सदस्य काफ़ी उत्साहित हैं। उन्होंने ब्लड डोनेट करते हुए ये संदेश दिया कि ये ब्लड किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के काम आएगा। आज हम लोग प्रयाग जनशक्तिकरण संस्थान के द्वारा यहाँ पर एक ब्लड कैंप का जो आयोजन किया गया है, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो मेडिकल बैंक है उसको हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया हुआ है। और अगले हम लोग नेक्स्ट यही हम लोग करेंगे, हर 3 महीने में हम लोग ब्लड डोनेट करेंगे। आज बहुत अच्छा लगा हम लोग को ब्लड डोनेट करके, और एक बहुत अंदर से खुशी हुई कि हम लोगों के द्वारा किसी का भला हो रहा है। आज हमने हमारी संस्था प्रयास जनशक्तिकरण संस्थान के माध्यम से आज हम लोगों ने ब्लड कैंप लगाया हुआ है, जो ज़रूरतमंद लोगों तक यह ब्लड उपलब्ध हो सके। गरीब पीड़ित परिवार जो भटकते रहते हैं यहाँ वहाँ, उन लोगों से पैसों की भी मांग की जाती है। कई जगह हम लोगों ने देखा है कि पीड़ित पक्ष जो रहते हैं उनके पास पैसे न होने की वजह से ब्लड उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो हम लोगों ने आज संस्थान के माध्यम से ब्लड कैंप शिविर लगाया हुआ है और मेडिकल को हम लोगों ने सौंपा गया है। हम लोगों का टारगेट अभी हम लोगों का 50 के ऊपर ही है, अभी हम लोगों ने 30 करीब कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पलपल इंडिया।